नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। तिथला विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पंडित टेक चंद शर्मा का काफिला पहुंच चुका है हरफला गांव। और देखिए लोग यहां काफी गर्म जोशी से स्वागत कर रहे हैं। और देखिए भैया बिल्कुल लंबा चौड़ा काफिला है पंडित टेक चंद शर्मा। देखिए लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और तिथला विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने के लिए पंडित टेक चंद शर्मा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जितने भी उम्मीदवार हैं। पिछला विधानसभा में पंडित टेक चंद शर्मा सबसे ज्यादा पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग देखिए ये फूल माला पहनाकर अभी स्वागत किया जाएगा। देखिए हरफला गांव में पहुंचे हुए हैं पिछला विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार पंडित टेक चंद शर्मा। और यहां पर सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। और देखिए सभी एकदम गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। देखिए फूल माला पहनाकर स्वागत हो रहा है पंडित टेक चंद शर्मा का हरफला गाँव में पहुँचने पर। ये देखिए और प्रिथला में कमल खिलाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं पंडित टेक चंद शर्मा। दिन रात एक कर दिए हैं, पूरे गांव-गांव घूम रहे, एक एक घर जा रहे हैं और समर्थन और आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखिए समर्थक भी काफी जोश और उत्साह में नजर आ रहे हैं और पूरा पूरा समर्थन लोग दे रहे हैं पंडित टेक चंद शर्मा को। ये देखिए अभी हरफला गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर लोग जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं पंडित टेक चंद शर्मा और आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखिए और जमकर पसीना बहा रहे हैं और कमल खिलाने के लिए एकदम पूरा भैया एकदम खूब मेहनत कर रहे हैं। देखिए लोग भी काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं, अभी बातचीत भी करते हैं लोगों से। ये देखिए राम राम ताऊ। देखिए पहुंचे हुए हरफला गांव में और यहां पर देखिए यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया पंडित टेक चंद शर्मा का। राम राम जी। राम राम साहब। क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है भैया। कमल को फूला भाई, कमल क्लियर 100% कमल। अब की बार खिल जाएगा भाई? बिल्कुल जी भाई साहब, कहने की भी गुंजाइश नहीं है इसमें, बिल्कुल खिलेगा कमल अब की बार पूरा। खिल जाएगा भैया कमल? हाँ जी खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा। हाँ जी बहुत बढ़िया जी। और उम्मीदवार तो घर बैठे हैं? सब सब घर बैठेंगे शर्मा पार जाएगा। देखिए लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं भैया पंडित जी हैं। हाँ जी दवा के कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार टेक चंद शर्मा जिंदाबाद। कब खेलेगा? खेलेगा पक्का, खेलेगा 200% खेलेगा जी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं, पंडित ही लगे हुए हैं जी। और वो ही जीतेंगे इस बारी, पक्की बात 100% बात है। अभी तक कभी पिछला कमल खेला नहीं है, अब तक नहीं खेला, लेकिन अब खेलेगा जी, अब जरूर खेलेगा अगली बार। इतिहास रच देंगे, पूरा इतिहास, पूरा वाला इतिहास रच देंगे। पूरा जोर है बीजेपी को। क्या कहता हूँ? हाँ जी टेक चंद शर्मा पार है जी, और कोई रोकने वाला नहीं है। पहले भी विधायक देख लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा हरियाणा में आएगी। उम्मीदवार तो है वे सब पीछे हैं जी, हाँ सब पीछे हैं, टेक चंद शर्मा की आगे जी। ठीक है ठीक है। देखिए कह रहे हैं जितने भी उम्मीदवार हैं पिछला में पंडित टेक चंद शर्मा सबसे आगे हैं। और ये हरफला गांव में पहुंचे हुए और लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया पंडित टेक चंद शर्मा का हरफला गांव में। राजान की गिनती में हमारा तेवतिया पहले रहा है, इसलिए सम्मान की तो हमें जरूरत रहती है। आई बार ऐसा नहीं है, कोई तो सम्मान मिलते वैसे वैसे लोग ना सम्मान, हम सम्मान के हकदार भी है। ऐसा नहीं है भाई, बजा भाई हरफला गांव में पहुंचे हुए हैं पंडित टेक चंद शर्मा। और अभी बातचीत भी करेंगे, पंडित टेक चंद शर्मा
हमारा नेता कैसा हो? पिछला विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने के लिए पंडित टेकचंद शर्मा पूरा जोर लगा रहे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल एकदम गर्मजोशी से स्वागत किया पंडित टेकचंद शर्मा का। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम। क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। कहीं जाएगा कमल? भाई साहब, जिस तरीके से पिछली बार छत्तीस बरादरी ने विधायक जी को वोट के माध्यम से जिम्मेवारी दी थी, अब की बार उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि विधायक जी ने विकास कार्य किए हैं। अब की बार फिर से विधायक जी को जिम्मेदारी देने जा रही है। ये देख सकते हैं आप, पंडित टेकचंद शर्मा हरफुला गांव में पहुंचे थे और यहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। आगे और भी कई प्रोग्राम हैं, इनको आपको लाइव दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए फरीदाबाद न्यूज़। नमस्कार।